गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीए जुगल किशोर गोयल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका ऑडिटिंग सब्जेक्ट। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इसका कि अपने जूनियर अकाउंटेंट में जो आपका पेपर होगा ऑडिटिंग का, इसको मैं नाम दे रहा हूं ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस हिंदी में बोलते हैं अपन इसको, अंकेक्षण एवं आश्वासन। देखिए, आपके जो सेकेंड पेपर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में सबसे आसान सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑडिट है, जिसमें आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सिर्फ दिल लगाना है, समझ रहे हो। और वो अपने आप लग जाएगा, वो टेंशन मत करो, मेरा काम ही यही है। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चंस में से 25 आपके सही हो सकते हैं, वो भी बिना पढ़े। कुछ एक दो सेक्शन वेक्शन याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक दो टॉपिक हैं एक्ट के, बस इतना सा काम करना है आपको। तो क्लास में समझना है इस सब्जेक्ट के बारे में। आपको मैं बता दूँ, ये सब्जेक्ट उस टाइप की नहीं है जिसमें आपको कोई रूल्स याद करने पड़ रहे हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ रही है, ये सिर्फ समझने की है। अगर समझ में आ गई तो पेपर सही है, नहीं समझ में आया तो आपको लगेगा क्या है। और बहुत ही आसान है, सबसे आसान ये है। तो आज देखिए, आप 25 क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके के आएंगे, थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं जो सिलेबस को बेस मान के चल रहा हूँ अभी, वो मान के चल रहा हूँ जो लास्ट एग्जाम्स में दिया हुआ था। 99% सिलेबस यही रहने वाला है, सिलेबस चेंज नहीं होगा। अगर कभी कुछ चेंज होगा तो इसमें से हटेगा कुछ भी नहीं, ये तो मान के चलना, क्योंकि ये तो आरपीएससी का लेवल है और आपके एग्ज़ाम कौन लेगा? अधीनस्थ बोर्ड। तो वो वाली कहानी है जी, एक खरगोश और एक शेर। तो लेवल आपका बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं होगा, ये तो आप मान के चलना। अब आपके देखिए, आपके सामने 7 पॉइंट हैं ये, जो इन्होंने सिलेबस को डिफाइन किया है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, इन्होंने 7 किए हैं। मैं आपको चैप्टर थोड़े एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि इनके केवल एक शब्द लिख देने से एक चैप्टर हो जाता है। जैसे एक शब्द लिखा है इन्होंने, टाइप्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार। अब मैंने तो उसको एक चैप्टर ही बना दिया, क्योंकि बहुत सारे प्रकार हैं अंकेक्षण के, तो हमें उसको पढ़ना है। फिर इन्होंने लिखा है, प्लानिंग प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग। अब इसमें तो बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स आ गए, अंकेक्षण के मानक आ गए, ऐसे 230 कवर करना है, ऐसे 300 कवर करना है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो मैंने एक अलग चैप्टर बना दिया। मीनिंग और ऑब्जेक्ट को एक अलग चैप्टर बना दिया। तो मैंने इस फर्स्ट पॉइंट में ही आपके जो अपन स्टडी करेंगे उसके 3 पॉइंट बना दिए, यानी कि मेरे 3 चैप्टर हो गए। और इनका कितना चैप्टर हुआ है? 1 टॉपिक हुआ है। नेक्स्ट आता है बाउचिंग, परमानन, इंटरनल कंट्रोल, वेरिफिकेशंस, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर। कितने प्यार से बोल के साइड में हो गए कि राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी बता दो जी साहब, किसकी बता दें? कंपनी ऑडिटर। तो हु इज द कंपनी ऑडिटर, बताओ कौन होता है कंपनी ऑडिटर, किसे अपॉइंट कर सकते हैं, और ये होता क्या है सर ऑडिटर, और काम क्या है इसका? तो यहाँ पर आपको पूरा कंपनी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और कंपनी एक्ट का एक चैप्टर 10 पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और उसमें सेक्शन 139 से लेकर 148 पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल टेक्निकल चैप्टर है, एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा ढंग से। फिर इन्होंने कह दिया ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने जा रहे हो तो ये अपने आप को थोड़ी छोड़ेंगे, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण, और लास्ट में साहब रिपोर्ट दे दो और सर्टिफिकेट दे दो। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका वेटेज क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? कंपनी ऑडिटर। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर लो जहां ऑडिट सब्जेक्ट आ गया और कंपनी ऑडिट आ गई,
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही रहता है और सबसे टेक्निकल भी यही है। इसमें लगभग लगभग 6 क्वेश्चन पक्के आने हैं, ये मिनिमम साइड में है, 25 में से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 भी जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक की। तो देखो, मीनिंग के ऊपर 1 क्वेश्चन पक्का आना है, जो आप मेरे से पढ़ोगे तो भी ठीक होना है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक होना है, क्योंकि मीनिंग में है ही क्या। और 1 क्वेश्चन किसका आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का। 2 क्वेश्चन किस पे आएंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट पे, अंकेक्षण के प्रकार पे 2 क्वेश्चन आ जाने हैं। अंकेक्षण नियोजन एवं अंकेक्षण प्रविधि प्लानिंग के ऊपर ऐसे 300 का 1 क्वेश्चन पक्का बनना है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, ये 1 क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। वर्किंग पेपर, इसका तो मैं लीक ही कर देता हूँ क्वेश्चन, आज मैं आप आरोप लगाते रहना कि यार पेपर ही लीक कर दिया इन्होंने। तो वर्किंग पेपर किसकी संपत्ति है, अंकेक्षण कार्यपत्र किसकी संपत्ति होती है, तो उसका आंसर है अंकेक्षक की। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 बार रिपीट हो चुका अब तक, वर्किंग पेपर पे इनको इनके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, यही पूछते रहते हैं, जबकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं। इसमें हम ऑडिट फाइल पढ़ेंगे, परमानेंट ऑडिट फाइल पढ़ेंगे, करंट ऑडिट फाइल पढ़ेंगे, ऑडिट नोटबुक पढ़ेंगे, लेकिन ये यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बार बार रिपीट यही करते रहते हैं। एक है टेस्ट चेकिंग, नमूना जांच। अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 530 लगता है साहब पूरा। नमूना जांच की कई तरह के मेथड हैं, नमूना जांच से संबंधित जोखिम है, तो 1 क्वेश्चन इसमें आएगा। और रूटीन चेकिंग पे हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए। तो अगर आप वेटेज देखेंगे, 1 क्वेश्चन इस पर पूछ लिया, 1 इस पर पूछ लिया, 2 क्वेश्चन इसमें आ गए, प्लानिंग के ऊपर 1 क्वेश्चन आ गया, प्रोग्राम के ऊपर 1 क्वेश्चन आ गया, वर्किंग पेपर के ऊपर 1 क्वेश्चन आ गया, टेस्ट चेकिंग के ऊपर 1 आ गया, इसको चलो मान लेते हैं नहीं आया, मैं मिनिमम साइड में लेके चल रहा हूँ आपको। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से कवर होंगे। वाउचिंग कंसेप्ट इम्पोर्टेंस एंड प्रोसीजर 2 क्वेश्चन आते हैं, सबसे कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंटरनल कंट्रोल, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 आएगा इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है। इंटरनल कंट्रोल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होती है इंटरनल चेक, आंतरिक जांच के 2 भाग है, आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक जांच। अब यही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पिछली बार यही पूछा था कि आंतरिक अंकेक्षण किसका हिस्सा है, समझ रहे हो। लेकिन आप पास्ट पेपर को देख के अपनी तैयारी को वैसे मत कर लेना, क्योंकि अब तक पेपर कौन ले रहा था, आरपीएससी, वो तो क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है इधर उधर से, गुजरात के क्वेश्चन उठा लिए, यूपी के उठा लिए, एमपी के उठा लिए, सारे बोर्ड के इधर उधर के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिए, फिर उसमें ऑब्जेक्शन लगाते रहो। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है, वो थोड़ा स्टडी करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं वो लोग। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट के ऊपर 1 क्वेश्चन आ गया, इंटरनल चेक के ऊपर 1 आ गया, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर 1 आ गया, लगभग लगभग 3 क्वेश्चन का वेटेज ये मान लो। वाउचिंग वेरिफिकेशन के साथ साथ में हमें वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, एक एक क्वेश्चन भी पूछेंगे तो 2 क्वेश्चन का वेटेज इसका है। यहाँ तक समझ में आ रहे, क्लियर है। अब आप देखो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर 2 क्वेश्चन, एक CNDG के प्रोविजन आएंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, और एक सिंपल सा गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर आएगा। और एक और एक 2 क्वेश्चन यहाँ पे, एक सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और एक ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग, 2 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 25 क्वेश्चन का ये इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। समझ में आ गया, क्या समझे बताओ, नहीं इस पिक्चर को देख के क्या समझे, नहीं पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो है ही, और उसका कारण है, देखो आप बच्चे नहीं हो और ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो कैरियर है सीधा। अब RS में आप 3-3 बार ट्राई करो, पहले प्री दो, फिर मेन दो, फिर इंटरव्यू में कोई मेरे जैसा रिश्वतबाज आ जाए तो पार पड़ जाए, नहीं तो नहीं पढ़े। यहाँ तो वन शॉट में ही है, एग्जाम दिया और पेमेंट क्या है, RS के बराबर ही मान लो, शुरू के 100 पोस्ट उठा दो RS की, बाकी तो सब अलाइड में ही आने। तो इतना बढ़िया अगर आपका कैरियर है और सिर्फ 2 टॉपिक को ढंग से कर लो, कौन कौन से को, कंपनी ऑडिट को और इस टॉपिक को अगर आप ढंग से कर लो, तो आप देख सकते हो 14 क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। ये मेरा
पिक्चर जो दिखाने का ऑब्जेक्ट था वो ये था कि आपको ये मालूम चल सके कि कौन सी चीज़ों को हमको डेप्थ में जाके पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको अंकेक्षण और आश्वासन का कि ऑडिट क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कभी सुना है अपने नाम ऑडिट का? नहीं। ऑडिट क्या होती है, अंकेक्षण क्या होता है, नाम सुना है अंकेक्षण का? बच्चों जूनियर अकाउंटेंट अगर लग गए तो सबसे ज़्यादा डर ही ऑडिटर का लगेगा आपको, क्योंकि आप करोगे रिश्वतबाजी। अब कागजों में रखना सही, क्योंकि आपके ऊपर भी कौन आएंगे, ऑडिटर, आपके काम को चेक किया जाएगा कि आपने क्या करा और क्या नहीं करा। अब मेरा तो काम ही है साहब, मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो प्रैक्टिसिंग सीए हूँ। ये वैकेंसी तो 5 साल में आती है, 5 साल तक मेरे बच्चे थोड़ी बेरोजगार रहेंगे, तो मेरा काम तो प्रैक्टिसिंग है। तो हम तो काम ये करते हैं, डिपार्टमेंट वालों के साथ काम करते हैं, कागजी कार्रवाई एकदम परफेक्ट रखते हैं सरकारी आदमी, कागज़ में कुछ नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके काम को कोई एक व्यक्ति आएगा जो क्या करेगा, चेक करेगा। तो ऑडिट होती क्या है ये बताओ, अंकेक्षण होता क्या है, जांच पड़ताल? देखो मेरी वाइफ जो है वो रोज सुबह सुबह मेरे पर्स को चेक करती है, मोबाइल पे मैं लॉक नहीं लगा सकता, शादीशुदा आदमी लॉक लगाता है, डाउट जाता है कि ये मोबाइल पे लॉक क्यों रखता है। अच्छा ये मैं थोड़े मजाक वजाक करता रहूँगा, ये मेरी पुरानी आदत है, मजाक का सेंट्रल पॉइंट मेरी वाइफ ही रहती है। वाइफ मेरी है तो मैं कर भी सकता हूँ, पर आपको लीगल वार्निंग देता हूँ, इस धारावाहिक के सभी पात्र और घटनाएँ क्या हैं, काल्पनिक है। कहीं बच्चे क्या डिप्रेशन में आ जाते हैं, सर ये जूनियर अकाउंटेंट छोड़ो, आप ये बताओ शादी करें कि नहीं करें, और कहीं शादीशुदा हैं बेचारे दर्द महसूस करते रहते हैं कि यार बात तो सही है इसकी। तो मेरी वाइफ ने मेरा जो पर्स है चेक किया, क्या ये ऑडिट है? तो आप तो बोल रहे हो ना जांच पड़ताल करना, वो तो मोबाइल तक जांच पड़ताल करती है, हैं, लेखों की, बही खातों की, ये बात भी सही है। तो सिर्फ बही खातों की जांच करना ही ऑडिट होती है क्या? ये आदमी सुबह कितनी बजे निकला और कहाँ गया, गूगल मैप लगा के रख रखा है, बोले व्हाट्सएप की लोकेशन ऑन रखना, कहाँ जाते हो मुझे मालूम होना चाहिए, इसमें बही खाते क्या करेंगे? क्या केवल बही खातों की जांच पड़ताल है क्या, बताओ? नहीं समझे? चलो एक मजाक में आपसे बात पूछता हूँ, आप जयपुर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जयपुर के हो, थोड़ा बहुत जानते होंगे जयपुर के बारे में। मान लीजिए कोई आपके जान पहचान वाला कोई बीमार हो गया, कौन से हॉस्पिटल में ले जाएंगे उसको? भाई जयपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, कौन से में भर्ती कराएंगे आप? SMS में कराएंगे, पैसे नहीं लगते साहब, और आपके पास पैसे होते तो, पैसे की कोई कमी नहीं है आपको, तो फिर फोर्टिस में जाते, CK बिड़ला में जाते, क्यों SMS में क्यों नहीं जाते? SMS में मालूम है कौन डॉक्टर लगते हैं, जो अपनी एग्जाम में रैंक होल्डर होते हैं, हाईली क्वालिफाइड, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस होल्डर, लेकिन उतने ही निकम्मे हैं, काम भी नहीं करते। अब आप बताओ क्या उस अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है क्या? तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। तो क्या ये जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? इसको कहते हैं इफिशियंसी ऑडिट। क्या आप अपनी इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, दक्षता के साथ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? एक होता है कि आप मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत बच्चों ने बहुत एग्जाम दे लिया आज तक, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, आप सही तरीके से उसको पढ़ नहीं रहे, तो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक होता है इकोनॉमी मितव्ययी, कि जब कोई काम आपका 2 रुपये में हो सकता है तो वहाँ 5 रुपये खर्च क्यों हुए, ये इकोनॉमी ऑडिट होती है। तो बताओ ये सब चीज़ें भी चेक होती हैं कि नहीं होती? तो ऐसा नहीं है कि ऑडिट सिर्फ वित्तीय विवरणों की या वित्तीय सूचनाओं की होती है, ऐसा नहीं है। ऑडिट परिचालन अंकेक्षण भी होता है, प्रबंध अंकेक्षण भी होता है,
आप मैनेजमेंट ऑडिट भी करते हो, ऑपरेशनल ऑडिट भी करते हो, हाँ, लेकिन अब मैं आपको जो इसकी डेफिनेशन समझाने जा रहा हूँ वो सुनो। आपने चलो कहा, उसी को ले लेते हैं एक बार, आपने कहा सर लेखा पुस्तकों की क्या करनी है, यही कहा ना आपने, लेखा पुस्तकों की क्या करनी है आपको, जांच पड़ताल। तो मैं मेरे बारे में भी बता दूं साहब, मैं जाति से बनिया हूं। अब बनियों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि उन्हें व्यापार के अलावा कुछ और आता ही नहीं। मैं तो मेरे खानदान में एक अकेला आदमी हूं जो पढ़ लिख गया, नहीं हमारे यहाँ तो ट्वेल्थ में दम तोड़ गए, ट्वेल्थ से आगे नहीं बढ़ पाए। ये तो भलाऊ बनवीक सीरीज का जो बीकॉम कर लिए तो ब्याह शादी हो गई, केवल ब्याह शादी के चक्कर में करिए बीकॉम, और कोई कारण नहीं था। खैर मैं पढ़ लिख गया, मेरे को तो व्यापार आता नहीं साहब, लेकिन मेरे पापा तो आज भी व्यापारी हैं, मेरे पापा हैं, उनका बिजनेस है और वही व्यापार करते हैं। मैं अपने पापा के बिजनेस की ऑडिट कर दूं क्या, आपको क्या एलर्जी है जी मेरे से, मना कर रहे हो? नहीं सर, आप अपने पापा के बिजनेस की ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा क्वालिफिकेशन जानना चाह रहे हो, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम इन प्रैक्टिस, मैं सीए हूं और मेरे पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है और मैं ऑडिट कर भी रहा हूं, मेरा ऑफिस भी है भाई मानसरोवर में, मेरा तो काम ही यही है, ऑडिट ही करता हूं, ऑडिट ही पढ़ाता हूं, रहता ही क्या अपने को, समझ लो। कल परसों बैठा था मैं यहाँ ऑफिस में, एक बच्चा आ गया मेरे पास में, बोले सर हमको कांस्टेबल बनना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, सर आप पढ़ा दो। मैंने कहा भैया हमें कॉमर्स के अलावा कुछ नहीं आता, हमारा लिमिटेड ज्ञान है। तो सर मैं सीए हूँ, सीओपी होल्डर हूँ और मैं ऑडिट भी करता हूँ, तो मैं अपने पापा के बिजनेस की ऑडिट क्यों नहीं कर सकता, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो? तो जब भी कभी भी ऑडिट की डेफिनेशन दो, कोई आपसे पूछे कि ऑडिट क्या होती है, तो एक शब्द जरूर जोड़ना, क्या जोड़ोगे, ये नहीं कि लेखों की जांच पड़ताल, क्या कहोगे, लेखों की निष्पक्ष जांच पड़ताल। और निष्पक्ष कौन होता है, निष्पक्ष कौन होता है, अभी थोड़े दिन पहले की स्टोरी बताता हूँ साहब। मैं जब शाम को घर पहुंचा तो मेरी वाइफ के चेहरे पे नूर बरस रहा था, गुस्से में लाल हो रखी। तो मैंने पूछा कि देवी आज क्या बात है, बोले आज आपके बेटे की पिटाई हो गई। उसे दिखाया, बोले ये देखो आपके बेटे के, ये देखो गाल पे पूरी थप्पड़ पड़ी हुई है। मैंने कहा किसने मारा, बोले मोहल्ले में वो एक लड़का है, उससे लड़ाई हो गई और ये मार खा के आ गया, और आप जाओ और उससे लड़ के आओ। यार अब ये और काम, अब मैंने कहा बच्चे हैं आपस में लड़ लिए उसमें क्या है, बोला नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, तू यार सीए का बेटा है, ये लाइबिलिटी लिया है, असेट का है, अरे बैलेंस शीट तो मैच करा के आता। तो उसने कहा पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर का हिसाब करके आया हूँ। अब चार पांच लोग थे, एक हाथ तो लगी जानी है, अपन भी बराबर का हिसाब करके आए। मैं तो मेरे पूत को जानता हूँ कि साहब कौन सा शरीफ है। उसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा, उसकी मम्मी को इस पूरी दुनिया में सबसे शरीफ अगर कोई बच्चा लग रहा है तो वो मेरा बेटा लगता है। क्या उसकी राय पे आप विश्वास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि माँ है साहब। और माँ तो चाहे आनंद पाल की क्यों ना हो, वो भी बेचारी यही कहती है कि इन पुलिस वालों ने मेरे मासूम बच्चे को मार दिया, क्योंकि माँ की जो राय है वो क्या नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो इसलिए जनता उस पर क्या नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करती। तो बताओ ऑडिट निष्पक्ष जांच होनी क्यों जरूरी है, ताकि जनता क्या कर सके। तो क्या हमारी रिपोर्ट जनता पढ़ती है, आपने मेरे से ऑडिट करवाई, आपका और मेरा ही रिश्ता है या कहीं और भी काम आएगी साहब। ऐसा है ऑडिट रिपोर्ट के जो यूजर्स होते हैं ना, वो सिर्फ मेरा क्लाइंट नहीं होता, मेरी रिपोर्ट कौन पढ़ेगा बताओ। आप उस रिपोर्ट को लेके बैंक में जाओगे, बैंक से क्या मांगोगे, लोन। बैंक उस रिपोर्ट पे विश्वास करके आपको क्या देगा, लोन देगा। वो आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तृतीय पक्षकार अंकेक्षक पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं विश्वास, क्योंकि हम कौन हैं, स्वतंत्र व्यक्ति, इंडिपेंडेंट पर्सन,
तो अंकेक्षक कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसे जांच पड़ताल किस तरीके से करनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, स्वतंत्र व्यक्ति। अब मैं आपको ऑडिट के साथ में मैंने एक शब्द जोड़ा, क्या आश्वासन, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। बताओ ऑडिट के साथ में हमने अश्योरेंस वर्ड क्यों ऐड किया है, आश्वासन, नेताओं क्या मैं जो आश्वासन दूंगा, गारंटी क्यों नहीं दे रहा। बताओ ऑडिटर रिपोर्ट देता है कि सर्टिफिकेट, ऑडिटर ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट देता है कि सर्टिफिकेट, क्या फर्क है दोनों में। बताओ प्रमाण पत्र में और रिपोर्ट में क्या फर्क है। देखो रिपोर्ट में आप अपनी ओपिनियन देते हो, राय देते हो, और सर्टिफिकेट में तथ्यों को क्या करते हो, प्रमाणित, सर्टिफाइड करते हो, उसमें राय की कोई बात नहीं है। तो ऑडिटर सिर्फ क्या दे रहा है बताओ, अपना राय, आश्वासन लेके सिर्फ क्या व्यक्त कर रहा है, अपनी राय व्यक्त करता है। सर वो गारंटी क्यों नहीं देता, नहीं गलती तो फिर जो इन्वेस्टिगेटर है, अनुसंधान करता है, जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, गलती तो उनसे भी हो सकती है, वो भी तो इंसान है, गलती तो भगवान से होती है, आप क्या बात करते हो, नहीं होती क्या बताओ। नहीं तो इस साइकिल के साथ कोई ट्रक का टायर फिट करता क्या, ये ऊपर वाले से मिस्टेक हो रही है, बताओ, गलती तो किसी से भी हो सकती है, बात गलती की नहीं है। हम राय क्यों देते हैं, ऑडिटर राय क्यों देता है, गारंटी क्यों नहीं देता, क्योंकि हमें अपनी राय देने के लिए क्या चाहिए, बताओ हमें अपनी राय देने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए अंकेक्षण साक्ष्य, ऑडिट एविडेंस, हमें किस चीज की जरूरत है, ऑडिट एविडेंस की जरूरत है। हमारी राय किसके ऊपर निर्भर होती है, साक्ष्य के ऊपर निर्भर होती है। कुछ समझ में आ रहे, बताओ, बीच बीच में से टेक्निकल शब्द आ जाएंगे, क्या होता है बेटा बताओ आप, अंकेक्षण साक्ष्य क्या होते हैं, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि इतना सम्मान क्या घर में नहीं मिलता ना, तो बड़ी समस्या हो जाती है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, बैलेंस होना जरूरी है। बताओ ये मनीष सर को करा करो, अपने तो ऐसे ही चलता है। बताओ क्या बोल रहे थे, वही तो पूछ रहा हूँ, एविडेंस क्या होते हैं, क्या ये मौखिक हो सकते, मौखिक हो सकते, आपकी शादी हो गई, करेंगे, पूछ लेते हैं, अभी तो हाँ कर दोगे, 20-25 क्लास हो जाने दो, फिर पूछूंगा। चलिए जी आपकी सदाई, आपकी सगाई पताई कराते हैं ना। अब लड़की का जो बाप है वो आपको पसंद क्यों करे अपनी बेटी के लिए, चलो जूनियर अकाउंटेंट बन गए इसलिए कर रहे हैं, समझ रहे हो, फिर भी पूछताछ करेगा, किससे पूछताछ करेगा, आपके रिश्तेदारों से, आपके मोहल्ले पड़ोस वालों से, पूछताछ कैसे होगी, लिखित होगी कि मौखिक होगी, तो क्या ये एविडेंस नहीं है, क्या ये साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि लिखित ही होते हैं तो ऐसा नहीं है, साक्ष्य मौखिक भी होते हैं, नहीं समझे, ये बच्चा बताएगा। आप मुझे बताओ स्टॉक का नाम सुना है, स्टॉक, स्टॉक कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको वेरीफाई करना है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, भाई कॉमर्स वालों को तो 2 मिनट लग रही है समझने में, नॉन कॉमर्स वालों को थोड़ा लगता है ये स्टॉक क्या चीज़ है। माल पड़ा है जी कंपनी में, बेचते हैं जो माल पड़ा है, और ऑडिटर को उसको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेंगे, आप मान लो आप ऑडिटर हो, स्टॉक को वो वेरीफाई करना है कि कितना स्टॉक पड़ा है, क्या करोगे बताओ आप, बताओ कुछ भी बोलो, हाँ खाता वही में 500 पीस आ रहे हैं, मान लोगे, वही तो चेक करना है ना, वही तो चेक करना है ना कि 500 है कि नहीं है, क्या करोगे बेटा, गोडाउन, नहीं गोडाउन में जाके क्या करोगे आप, गिनोगे, गिनोगे कितने पीस पड़े, बुक्स में 500 है, उसको कैसे चेक करोगे, वही पूछ रहा हूं ना, गोडाउन में जो पड़े हैं उनको गिनोगे या गिनवाओगे,
अपनी आंखों से देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, गिनते हुए देखोगे नहीं दिखोगे, बताओ देखोगे ना? क्या ये एविडेंस है? आंखों देखा एविडेंस है क्या? तो बेटा आंखों देखा कानों सुना भी एविडेंस होता है। किसने कह दिया सिर्फ लिखित होता है? अंकेक्षण साक्ष्य लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, तो आपका दार्शनिक भी हो सकता है, रिटन, ओरल और विजुअल। आंखों देखा कानों सुना वो अलग बात है कि विश्वसनीय है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है, विश्वसनीय है या नहीं है। आप बताएं, हिंदू हैं आप, भगवान को मानते हैं? कौन से भगवान को मानते हैं? 16 सोमवार, अच्छा। ये भी एक अजीब सी व्यथा है, लड़कियां बहुत 16 सोमवार करती हैं सलमान खान के चक्कर में, मिलता राजपाल यादव ही है। चलो कोई नहीं, मेरी वाइफ के तो 16 सोमवार ही बेकार गए बेचारी के। आप बताओ भगवान को मानते हैं? देखा है, सुना है, देखा नहीं है, होते हैं क्या भगवान? भगवान हमने बनाए हैं कि भगवान ने को हमने बनाया है? हमने बनाया भगवान, भगवान हमें क्या बनाएगा? हमने हाथी देखा गणेश जी बना दिए, सांप देखा शंकर जी बना दिए। फिर भी आप मानते हो, फिर भी आप मानते हो, एविडेंस भी सही है। अब वो विश्वसनीय है या नहीं है वो तो मरने के बाद ही मालूम चलेगा। तो वो एक अलग क्वेश्चन हो गया कि साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं है। अब बताओ हमें ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ? एविडेंस चाहिए ना। एविडेंस के आधार पर मैं क्या बनाऊंगा राय? आप बताओ आज हमारे घर में खीर बनी है, कैसी बनी है जी? सर मैंने आपके घर की खीर थोड़ी खाई है, जो मैं बता दूं, मतलब आप जब तक आपके पास एविडेंस नहीं आएंगे उसको चखेंगे नहीं तब तक कोई राय नहीं दे सकते। तो राय देने के लिए आपको क्या चाहिए? साक्ष्य चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? साक्ष्य चाहिए। कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे साक्ष्य? ये बच्चा बताएगा पीछे से, बताओ आप बताओ जी साक्ष्य कैसे मिलेंगे? कैसे? मान लीजिए मैं ऑडिटर हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, आपका बिजनेस है, मैं आपके यहाँ ऑडिट करने आया हूँ, मुझे एविडेंस चाहिए, क्या करूँ? वो कहाँ से लाऊँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आप ये कह रहे हो मैनेजमेंट से ले लो सर, मांग लो उनसे, मांगने से तो मौत ही नहीं मिलती। जरूरी थोड़ी है, आपने कैसे मान लिया कि वो देगा? वो मेरे से बदमाशी करेगा, मुझे झूठे एविडेंस देगा, इसकी क्या गारंटी है? तो फिर मेरे से गारंटी कैसे ले रहे हो आप? बात समझ रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो बताओ? आपने चेक कर लिया, मैं आपको एक फ्रॉड की दास्तान सुनाता हूं और ये सत्य घटना है, फ्रॉड की दास्तान। मेरे क्लाइंट जो हैं, मतलब मेरा यही प्रैक्टिस का ही काम है, उनके ये दिसंबर की डेट की बात बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज की डेट में 6 करोड़ रुपए का मुनाफा आ रहा है, और ये रियल है, उसने 6 करोड़ रुपए कमा लिए अब तक, दिसंबर तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 6 करोड़ उसने कमाए हैं, 6 करोड़ का मुनाफा आ रहा है। और ये सब इंडिया है, यहाँ जो जितना कमाता है उसके उतनी थप्पड़ पड़ती है, क्योंकि सरकार इसका कितना परसेंट टैक्स लेगी? 1,80,00,000 रुपए का टैक्स, ये आज दे ना कल दे। अब ये मेरे को क्या कह रहा है कि सर इस 6 करोड़ को 2 करोड़ गिनना है, 6 करोड़ को कितना गिनना है? 2 करोड़। 4 करोड़ की क्या करेगा ये? हेरा फेरी। और ये होती है, और ऑडिट में यही तो पढ़ना आपको कि कपट, त्रुटियां, हेरा फेरी, इनको खोजना। कैसे खोजें? और कोई जरूरी थोड़ी हम खोज ही लेंगे। आई एम नॉट डिटेक्टिव, मैं जासूस थोड़ी हूँ जो मैं गलतियाँ ढूंढी लूँगा। बात समझ रहे हो? अब मालूम है क्लाइंट क्या करेगा? 4 करोड़ के फर्जी बिल लेगा, खरीद के फर्जी बिल लेगा, माल नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहे हैं? बिल। बाकायदा पेमेंट करेगा उसको, देखो पैसे मिलते हैं उस पर। अगर आप ये सोचो कि मैं कानूनी लगा दूँ
तो मेरे को कोई अपने पास बिठाएगा नहीं, क्योंकि सीए को अपॉइंट कौन करता है? सरकार थोड़ी देती है हमें कि जाओ उसकी ऑडिट करके आओ, आप ही मुझे अपॉइंट कर रहे हो और मैं आप ही की बैंड बजा दूं। पर विडंबना है, ऑडिटर को कैसा व्यक्ति होना चाहिए? स्वतंत्र, आपसे निष्पक्ष रहूंगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि मुझे स्वतंत्र रहना आपसे, और नियुक्ति भी कर रहे हो आप, कैसे संभव है? तो स्वतंत्रता के बहुत सारे खतरे भी होते हैं हमको। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि फर्जी बिल लेगा, पेमेंट भी करेगा उसके अकाउंट में और कैश ले लेगा वापस, तो वो कैश घर में आ गया, उसको ब्लैक मनी कहते हो आप, कि भाई जिसका अकाउंटिंग से आपने निकाल लिया पैसा। अब बताओ मैं उसका ऑडिटर, मुझे अगर ये सब नहीं मालूम कैसे चेक कर लूंगा जी? मैं कहूंगा ये 4 करोड़ के खर्चे की बिल दिखाओ, बिल है, मैं कहूंगा पेमेंट करा गया, प्रूफ दिखाओ, अकाउंट से पेमेंट करा है, देख लो, पकड़ लोगे इस कपट को? पकड़ ही नहीं सकते साहब। इसलिए मैं कैसे गारंटी दे दूं कि जो आप मुझे साक्ष्य दे रहे हो वो साक्ष्य क्या है, वो साक्ष्य क्या है? विश्वसनीय नहीं है। और आपको क्या लगता है कि साक्ष्य मैं मांगूंगा और वो दे देंगे मुझे? आप क्या सोचते हो, मैं ऑडिट करने जाऊंगा और सामने वाला मेरे स्वागत में गीत गाएगा कि बाहरो एविडेंस बरसाओ मेरा ऑडिटर आया है? अरे भैया ऐसे कोई नहीं देने वाला एविडेंस। तो ऑडिट में एविडेंस कैसे मिलेंगे, क्या करें बताओ, क्या करें? एविडेंस कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपको जैसे एक आवाज आई पूछताछ करो, तो पूछताछ क्या एक तरह की अंकेक्षण बताओ क्या है, विधि, ऑडिट मेथड। तो साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी क्या अपनानी पड़ेंगी, विधि, बहुत सारे मेथड अपनाने पड़ेंगे। और साक्ष्य प्राप्त करने की विधि को ही अपन क्या कहते हैं, अंकेक्षण प्रविधि, ऑडिट प्रोसीजर। मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर। साक्ष्य प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, अंकेक्षण प्रविधि। अब विधि भी जो मेरी है वो आपकी हो, ये जरूरी थोड़ी है। हर व्यक्ति का नॉलेज का लेवल क्या हो सकता है, इसलिए मैं क्या नहीं देता, राय देता हूँ, क्या नहीं देता, गारंटी नहीं देता। एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूँ कि ऑडिट की जो डेफिनेशन है ऐसे 200 में दी गई है, ठीक है। आज मैं आपको ऑडिट का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल से हम चैप्टर शुरू कर देंगे, कौन सा, कंपनी ऑडिट। ऐसे 200, आप कहेंगे सर ये ऐसे 200 क्या है, एस ए की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे ऑडिट में क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अंकेक्षण मानक। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं बताओ, ये ICI के द्वारा जारी किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और बताओ ये ऑप्शनल होते हैं कि मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इनकी पालना करना क्या है, अनिवार्य है, किसको, ऑडिटर को। तो ऐसे 200 में ऑडिट की परिभाषा दी गई है, मैं आपको वो परिभाषा बताने जा रहा हूं। ऐसे 200 कहता है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। पहले यहां तक की बात करते हैं। अंकेक्षण किसी भी संस्था, अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की, वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र जांच है। अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र जांच है। पहले यहां तक पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या क्या शब्द इन्होंने यूज किए। अंकेक्षण किसी भी संस्था का मतलब क्या है, क्या ऑडिट किसी की भी हो सकती है बताओ? आपके पापा क्या करते हैं, ऑडिट कराते हैं, बिजनेस है, फिर ऑडिट नहीं है, आपको मालूम है या पूछोगे आज, नहीं कराते, तो मतलब ऑडिट सबकी नहीं होती,
कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, कंपनी की बात छोड़ो, इनके पापा तो लाला जी हैं, प्रोप्राइटर। मैं व्यापार के, अभी बीओ में पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, बिजनेस कैसे करें, या तो एकल स्वामित्व जिसको लाला जी कहते हो आप, या फिर परिवार HUF, या पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप एक ये कह रहे हो साहब कंपनी है तो करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, लाला जी भी कराते हैं ऑडिट। हाँ, लीगल रिक्वायरमेंट है तो नहीं, अगर आपके पापा के मन में आ जाए कि आज मैं भी ऑडिट करा के देख ही लेता हूँ, तो मैं मना करूँगा क्या? हमें तो पैसे चाहिए, आप फीस दे देना, मैं तो कर दूंगा ऑडिट। तो इसका मतलब, इससे मैंने अंकेक्षण के प्रकार बना दिए। अंकेक्षण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। केवल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। मैं आपको वो अलग बात है 25-30 प्रकार पढ़ा दूंगा, पर सही मायने में अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है? केवल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अनिवार्य और एक होता है इच्छिक। अब बताओ क्या समझे? अंकेक्षण किसी का भी हो सकता है। एक तो ये कि ऑडिट करवानी पड़ेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या नहीं हो। समझ में आ रहा है? आपने अगर पान की दुकान भी खोल ली ना, और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्या कर दी? बिक्री कर दी, तो मेरे जैसे के पास आना ही पड़ेगा। आपको सीए की जरूरत ही तब पड़ेगी। आप बन जाओ जूनियर अकाउंटेंट, नहीं आओ मेरे पास तो बता देना, क्योंकि जब सैलरी में से TDS कटेगा ना आपका, तो कहीं के पैसे कट गए साहब, सब टैक्स का पैसा कट गया, तो आप आओगे सर ये बचवाओ। तो मैं चोरी नहीं करवाऊंगा, चोरी नहीं करवाऊंगा। टैक्स रिविजन में और टैक्स प्लानिंग में बहुत फर्क होता है। कर का नियोजन बताऊंगा आपको, तरीके बताऊंगा कि इन इन तरीके सरकार ने बता रखे हैं, आप इन तरीकों को फॉलो करो। आपको कहूंगा मकान खरीद लो, मकान का लोन ले लो, उससे इनकम टैक्स में आपको क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो मैं आपको बताएंगे। आपकी इच्छा हो तो आना मेरे पास, और आपकी इच्छा नहीं हो तो मत आना, क्योंकि आपके ऊपर अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अगर आपने दुकान खोल ली, 1 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया, तो आपकी इच्छा है तो ठीक, और नहीं है तो ठीक, आपको हमारे से ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। और इंडिया में ऑडिट करने के लिए एकमात्र अथॉरिटी कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है? तो ऑडिट कितने टाइप की हो गई? अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब जो किसी ना किसी कानून में, किसी ना किसी नियमों के तहत ऑडिट करवानी क्या है? मैंडेटरी है। आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो? ऐसे कौन लोग हैं जिनकी ऑडिट होगी ही होगी? एक तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे दिया आपने, कंपनी। प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण किया जाना क्या है? अनिवार्य है, चाहे वो कुछ भी काम करे या नहीं करे। समझो? और ट्रस्ट, सोसाइटियां, इन सब की क्या होती है? ऑडिट होती है। ऐच्छिक में कौन आते हैं? आपके पापा, लाला जी, एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्में, इनके कोई कानूनी लागू नहीं है। HUF में हिंदू लॉ लागू है, वहां ऑडिट का नाम ही नहीं है। साझेदारी के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू है, उसमें ऑडिट का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, बशर्ते कि ये इनकम टैक्स के दायरे में ना आ जाए। तो इनकी ऑडिट क्या होगी? ऐच्छिक। तो बताओ पहली लाइन का मतलब समझ गए? अंकेक्षण किसी भी संस्था के, मतलब चाहे वो अनिवार्य और चाहे क्या हो, ऐच्छिक। ऑडिट किसी की भी हो सकती है। आगे कह रहे हैं किसी भी संस्था के, किसकी? सर अभी हमने जब वित्तीय सूचनाओं के बारे में कहा, तो आपने कहा कि साहब वित्तीय सूचनाओं की थोड़ी होती, और भी तो होती हैं बिल्कुल, लेकिन ये परिभाषा मेरी नहीं है ना, किसकी है? ऐसे 200 के अकॉर्डिंग ऑडिट किसकी होती है? वित्तीय सूचनाओं की। वित्तीय सूचनाओं में क्या आता है ये बताऊ? टर्नओवर की बात कर रहा था मैं। हाँ बिल्कुल, करानी पड़ेगी इनकम टैक्स एक्ट के तहत। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट करानी पड़ती है अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो। यहां तक समझ में आ रहे? तो बताएं बच्चों, वित्तीय सूचनाओं में क्या क्या शामिल है? आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। बैलेंस शीट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, लेखों पर टिप्पणी,
और अगर कंपनी एक्ट की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, समतांशों में परिवर्तन के विवरण, अभी बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक। बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, ये क्या होता है बैलेंस शीट क्या होता है? देखो बच्चों, जब मैं जयपुर आया, मेरी थॉट प्रोसेस में और मेरे पापा की थॉट प्रोसेस में बहुत फर्क है। मेरे पापा मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं, बेटा चाणी के नीति अपना, तीन चीज़ों को हमेशा अवॉइड कर, उनसे दुश्मनी नहीं लेनी, शत्रु, बीमारी और कर्जा, बोले ये कभी नहीं पालने चाहिए। मेरी थ्योरी अलग थी कि मैंने कहा इन तीन से कभी डरना ही नहीं चाहिए। शत्रु की बात करें तो साहब शादीशुदा इंसान के और कोई शत्रु की जरूरत ही नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शत्रु से, जब हम इतना टैलेंट रखते हैं तो ऐसे छोटे मोटे से क्या डरेंगे। बीमारी की, अरे आएगी तो आएगी, मरना तो है ही, उससे क्या डरना। और रही बात कर्जे की, कर्जे तो बुद्धिमान लोग लेते हैं। तो बच्चों, जब मैंने मेरा करियर शुरू किया प्रताप नगर में, मैंने एक दुकान खरीदी थी 8 सेक्टर में, यह सत्य घटना है। और वो दुकान थी उस टाइम 9,11,000 रुपये की, मेरे जेब में 11,000 रुपये थे और सौदा करने पहुंच गया 9,11,000 का। तो उन्होंने कहा साहब साई पेटे 11,000 तो दे दो, आपको 2 महीने का टाइम देता हूँ, पेमेंट कर देना। मैं कह रहा दुकान तो खरीदेंगे। पापा को आगे मैंने बोला, पापा आज दुकान बुक करा दी अपन ने एक 9,11,000 रुपये के लिए। पापा टेंशन में, तू पैसे कहाँ से लाएगा? टेंशन मत करो, मर्डर नहीं करूँगा किसी का भी, अनैतिक तरीके से पैसे ना कमाया ना कमाऊँगा, आप टेंशन मत करो। तो बोले तू लाएगा कहाँ से पैसे बता? मैंने कहा बैंक है ना, बैंक से लोन लूँगा। मेरे पापा टेंशन में आ गए, बुरी तरीके से टेंशन में आ गए, और यार तू कर्जा लेगा कैसे चुकाएगा? मैं कह वो सब मेरी अटक है। आज की डेट में मेरे ऊपर 78 लाख रुपए का कर्जा है, 78 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। ऐसे दया से मत देखो यार, बड़े दयनीय भाव से देख रहे हो बेचारा। एक कोट मेरा ही है, उधार का नहीं है भाई, मेरा ही है, ये सत्य घटना है। 78 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उस कर्जे से मैंने जुआ नहीं खेला, उस कर्जे से मैंने कोई ऐसो आराम नहीं करे, खर्चे नहीं करे, उससे मैंने क्या खरीदी? असेट। तो बैलेंस शीट के दो पहलू होते हैं, एक होता है क्या असेट और एक क्या होती है लाइबिलिटी। तो ये आपकी क्या बताती है? स्थिति। ये आपकी आर्थिक स्थिति बताती है कि आपकी पोजीशन क्या है। आप मेरे कर्जे को देख के टेंशन में आ रहे हो, मेरी एसेट भी तो पूछो, फिर बात करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि मेरी स्थिति क्या है। तो मेरी स्थिति मुझे किससे मालूम चलेगी? बैलेंस शीट से। समझ में आ रहे? अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो मैं मनीष सर ये सब काम करते रहते हैं, कमाएंगे कि खोएंगे क्या मालूम? आपका सिटी में न्यू ऑफिस लेने आ जाओगे वापस? मैं किराएदार को बोल दूं साहब बच्चों का सिटी में नहीं हुआ, ये किराया माफ कर दो, रिस्क है, रिस्क है। फैकल्टीज को भी पेमेंट करना है, स्टाफ को भी सैलरी देनी है, रिस्क तो है ही। हमने पूरी साल में क्या खोया और क्या पाया? जो हमारी एक्टिविटीज की गई उसके रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, या तो नफा होगा या नुकसान होगा, इसीलिए तो इसको लाभ हानि खाता कहते हैं, या तो लाभ या हानि। तो बताओ लाभ हानि खाते से हमें क्या मालूम चलता है? परिणाम। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने देखा होगा लोगों के व्यापार हैं बड़े बड़े, फिर भी पैसे मांगते रहते हैं, यार 2-1 लाख रुपये दे दो, अरे तुम्हारा पैसा गया कहाँ? अब वो क्या स्टॉक में इन्वॉल्व कर देते हैं, लोगों को उधारी दे देते हैं। तो हमें, हमारे पास में क्या कैश का फ्लो है, नगद प्रवाह हमारा क्या है, ये हमको किससे मालूम चलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है? और एक बात, ये क्या है? लेखों पर टिप्पणी। हालांकि अकाउंट्स वालों का टॉपिक है, मैं ज़्यादा नहीं इसमें घुसना चाहता। बताओ लेखों पर टिप्पणी क्या है? अच्छा टिप्पणी भी होती है क्या अकाउंट्स में? लेखों पर टिप्पणी क्या है? नहीं समझे? चलो मैं आपको मेरी बैलेंस शीट बताता हूं।
ये मेरी बैलेंस शीट है बच्चों, मेरे पास में स्थाई संपत्तियां हैं, यानी कि जमीन जायदाद वगैरह 6 करोड़ की, मेरे पास में 6 करोड़ की स्थाई संपत्तियां हैं, मेरे पास में इन्वेस्टमेंट हैं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, ये वो करके 1 करोड़ के मेरे पास में इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, ये 7 करोड़ रुपए बैलेंस शीट का टोटल हो गया इधर का। मैंने मेरे घर से जो पूंजी लगाई हुई है वो लगाई हुई है 1 करोड़ रुपए, और मैंने बैंक से कर्जा ले रखा है कितना, 6 करोड़ का, ये 7 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को देख के आपको क्या लग रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं बताओ आप भाई, आपको ये मैंने कागज दिखा दिया, बैलेंस शीट दिखा दी, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है आपको है? ज्यादा है, 6 करोड़ में मर जाऊंगा, मतलब आपको ये लग रहा है कि ये बेचारा सीए लोन में डूबा हुआ है, गरीब आदमी है, कर्जे में डूबा हुआ। अब मैं आपको एक बात कह देता हूं, ये जो स्थाई संपत्ति है ना 6 करोड़ की, इसमें वो दुकान भी है, कितने में ली थी, 9,11,000 में, कब ली थी जी, कब ली थी वो दुकान मैंने, जब मैं सीए बना था 2006 में, और आज चल रहा है 2022, कितने की है जी वो दुकान, 9,11,000 की, 9,11,000 का तो शटर नहीं है आज वहां, आज उस दुकान को बेचने जाऊं ना, मार्केट की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए उसकी मार्केट की वैल्यू, मैंने खरीदा कितने में था, बैलेंस शीट में कितने में आ रहा है, बैलेंस शीट में 1 करोड़ दिख रहा है कि 9,11,000 दिख रहा है, 9,11 ये तो, यहां बताओ तो सही लोगों को कि साहब ये जो स्थायी संपत्ति इनका बाजार मूल्य तो कुछ और है, बताना पड़ेगा ना। तो एक टिप्पणी कर दूं, बताओ टिप्पणी करना जरूरी है क्या, कमेंट करना जरूरी है, अरे बहुत जरूरी है, मैंने मेरी वाइफ से सीखी ये बात। एक बार क्या हुआ, मेरे क्लाइंट का इनविटेशन आया, कोई प्रोग्राम था उनका, उनका जी आपको सह परिवार आना है, मैंने मेरी वाइफ को फोन कर दिया, मैंने कहा आज शाम को अपने को डिनर पे चलना है, क्लाइंट के प्रोग्राम है, सह परिवार है, बोले ठीक है मैं तैयार मिलूंगी, मैंने कहा 6:30 बजे फिक्स, मैंने कहा अगर तू है ना 6:35 6:40 करेगी मैं छोड़ जाऊँगा, पहले बता देता हूँ, बोला आपको 6:30 बजे फिक्स मिलूंगी। साहब चमत्कार हो गया, मेरी वाइफ फिक्स 6:30 बजे तैयार, बताओ ये बहुत बड़ा अजूबा है, 6:30 बजे तैयार, मैंने कहा लो चलो चलो चलते हैं फटाफट, वो मेरी तरफ देखे जाए, मैंने कहा चलो फिर देखे जाए, बताओ मैंने क्या गलती कर दी थी, वो वापस रूम में चली गई, बताओ क्या गलती कर दी मैंने, देखो वो तैयार हुई थी किसके लिए, मेरे लिए, और मैंने कोई कमेंट ही नहीं किया, तो उसको लगा कि मेकअप अभी अधूरा है, वापस मेकअप करने चली गई। तो बच्चों ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट का मेकअप अधूरा है, जब तक क्या नहीं करोगे टिप्पणी, जब तक क्या नहीं करोगे टिप्पणी, जो बैलेंस शीट के कहां दिखाते हैं अपन, फुट नोट पर, जिसमें अपन क्या दिखाते हैं, लेखांकन नीतियां। अगर मैं यहां पर केवल एक शब्द लिख दूं कि फिक्स असेट्स आर बुकड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, कि स्थायी संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्ज किया गया है, तो पिक्चर सही समझ में आएगी, तो पिक्चर सही समझ में आएगी। अभी देखो बहुत सारे लोग कहते हैं यह आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये सब एजुकेशन में बेकार है, अरे कैसे है? मैं आपको मेरी आबीती बताता हूँ, जब मैं 12th पास करके जयपुर आया, भाई मैं गांव से आया हुआ लड़का, हमारे यहाँ तो सर को सर ही नहीं बोलते थे, हम गुरुजी बोलते थे, और हमारे गुरुजी को हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती थी, मारवाड़ी बोलते थे। अब ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़े, यहाँ गए साहब 12th करने के लिए, झालाना डूंगरी में आईसीआई के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, और वहाँ पे साहब जयपुर के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे सारे बैठे हुए, टीचर आया इंग्लिश में बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू, बच्चे हाथ खड़े कर करके पूछे, वो इंग्लिश में पूछे, मैं तो यार सो रहा है, आवाज़ होटल रहे हो क्या रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, शाम तक तो मैं डिप्रेशन में आ गया, मैं कहा ये अपने बस की विद्या नहीं है, कहाँ फंस गया मैं, बैक टू पेविलियन, घर पहुँच गया, पापा ने कह रहे लगा रहे,
आज उस क्लास के मोस्टली बच्चे मेरे से रिटर्न भरवाते हैं क्योंकि वो तो सीए बने नहीं और हम बन गए। कंपैरिजन किसका करोगे आप, तुलना किस में करोगे, पहले बराबर के लोग तो लेके आओ, समझ रहे हो। तो जब तक दो संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की तुलना करना चाहते हो तो उनके क्या चेक करने पड़ेंगे आपको, टिप्पणियां चेक करनी पड़ेंगी कि साहब उसने अकाउंटिंग कैसे करी है और इसने कैसे करी है, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब मुझे देंगे आप, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको, ये आरपीएससी ने अभी कॉलेज लेक्चर की एक एग्जाम हुई थी एबीएसटी की, आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो पेपर को। आरपीएससी ने एबीएसटी से कॉलेज लेक्चर की अभी एग्जाम ली थी जिसमें ऑडिट के 50 क्वेश्चन आते हैं। वहां पे क्वेश्चन क्या आया था, अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक चिट्ठे का, ऑप्शन बी लाभ हानि खाते का, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते का, और ऑप्शन डी वित्तीय सूचनाओं का। बताओ आंसर क्या होगा, क्यों, क्योंकि वित्तीय सूचनाओं में ये सब कवर है। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो सिर्फ बैलेंस शीट की ऑडिट नहीं करते, बैलेंस शीट भी चेक करते हैं, पीएनएल भी चेक करते हैं, कैश फ्लो भी चेक करते हैं, और इवन उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की क्या है, क्या होती है जी, स्वतंत्र जांच। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं किसके ऊपर, स्वतंत्र जांच के ऊपर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस, स्वतंत्र जांच। तो पहले हम इंडिपेंडेंट की बात करें, स्वतंत्रता क्या होती है, बताओ क्या होती है स्वतंत्रता, किसको कहते हैं इंडिपेंडेंसी, किसको कहते हैं स्वतंत्रता, आप बताएं। इडली खाई है आपने, इडली, इडली सांभर कैसे कलर की होती है, हाँ, इसका मतलब शादीशुदा नहीं है, हमारे यहाँ ब्लैक कलर की बनती है, जब जल जाती है ना बेटा ब्लैक हो जाती है वो। तो मेरी वाइफ ने इडली बनाई ब्लैक कलर की, मुझे परोसा, बोले खाओ, वहीं खड़ी रही, पूछ रही है कैसी बनी, क्या बोलूं, क्या बोलूं बताओ, कैसी राय तू, हाँ ऐसा ही कुछ कहना पड़ेगा। अगर मैं सच्चाई बोल गया तो स्वतंत्र है, पर मैं बोल नहीं पा रहा, क्यों नहीं बोल पा रहा, दबाव महसूस कर रहा हूं, किसी के अधीन हूं। तो स्वतंत्रता क्या होती है, जब किसी व्यक्ति का निर्णय, जब किसी व्यक्ति का निर्णय क्या हो, पक्षपात रहित हो, बिना किसी दबाव के हो, या बिना किसी प्रभाव के हो, आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए बिना, किसी के प्रेशर में आए बिना, बिना कोई पक्षपात किए अगर निर्णय दे सकते हो तो आप क्या हो, स्वतंत्र हो। समझ में आ रहा है, आप बताओ अंग्रेजों के जमाने में हम स्वतंत्र थे क्या, अंग्रेजों के जमाने में हम स्वतंत्र थे या नहीं थे, क्यों आपका क्या बिगाड़ा उन्होंने, अंग्रेजों ने तो रेल की पटरी डाली थी, गुजरों ने तो उखाड़ी है। स्वतंत्रता किसको कहते हैं, अगर मैं अंग्रेजों के जमानों में पैदा होता तो मैं भगत सिंह थोड़ी होता, कोई अंग्रेजी ऑफिसर होता, उनके यहाँ नौकरी कर रहा होता, मेरे क्या था, सबको थोड़ी फीलिंग आई थी, हमारे खानदान में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, तो यानी मेरे खानदान में किसी को फीलिंग ही नहीं आई कि हम क्या हैं, गुलाम हैं, पर भगत सिंह को तो आ गई। तो स्वतंत्रता क्या है, बाजार में मिलने वाली कोई चीज़ है, बाजार में मिलने वाली चीज़ है क्या, नहीं, स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की क्या है, मेंटल स्टेटस है, मानसिक स्थिति है। अगर आपको लगता है कि आप निष्पक्ष होकर अपनी बात कह सकते हैं तो आप क्या हो, स्वतंत्र हो। अंग्रेजों के जमाने में और आज के जमाने में यही फर्क है कि आप किसी व्यक्ति को पप्पू कह सकते हो जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती,
यह है स्वतंत्रता, यह है स्वतंत्रता कि आप अपनी बात रख सकते हो। अंग्रेजों के जमाने में यह नहीं था, समझ रहे हो? तो ये मानसिक स्थिति है। अगर आपको लगता है कि आपके विचार स्वयं के अपने हैं तो आप क्या हो? स्वतंत्र हो। साथ ही साथ ये किसी भी व्यक्ति का क्या है? व्यक्तिगत चरित्र है। चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैं चरित्रहीनता से मुझे मेरा एक किस्सा याद आया। मेरे पास में एक बार स्टॉक ऑडिट आई साहब, ये बैंक वाले करवाते हैं, जो बैंक से कर्जा ले लेते हैं ना स्टॉक के अगेंस्ट, तो वो हमको अपॉइंट करते हैं स्टॉक ऑडिट। MI रोड की एक कंपनी थी, नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होते हैं और अंकित सर को तो वैसे भी गोपनीय होना चाहिए, अपनी सूचनाएं लीक नहीं करनी चाहिए। तो साहब मैं स्टॉक ऑडिट पे गया, MI रोड की एक कंपनी थी, उसने बैंक से 5 करोड़ का लोन ले रखा था और ये कह रखा था कि मेरे पास में 8 करोड़ का क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक है। उसके अगेंस्ट बैंक ने उसको 5 करोड़ का क्या कर दिया था? लिमिट बना दी, लोन बना दिया। तो हमें अपॉइंट किया गया बैंक के द्वारा, 12,000 रुपये मेरे को फीस दी गई कि साहब जाओ और स्टॉक की पूरी रिपोर्ट हमें बना के दो, चेक करके आओ। मैं पहुंचा वहां पे, 8 करोड़ छोड़ो, 2 करोड़ का स्टॉक नहीं था। मैंने कहा भाई स्टॉक का है, ये तो 2 करोड़ का ही है। तो मुझे वो पहले तो गोलियां देने लग गया, सर हमारी और ब्रांचें हैं वहां पड़ा हुआ है। मैंने कहा हमने बैंक को इन्फॉर्म किया कि आपकी और भी ब्रांच है और आप वहाँ स्टॉक रखेंगे, नहीं तो मैं अपने ऑडिट के स्कोप में उनको भी कवर करता। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो 2 करोड़ का ही स्टॉक बताऊंगा बैंक में। मालूम इसका इफेक्ट क्या होगा? बैंक उसको क्या कहेगा कि भैया तेरे को 5 करोड़ का लोन नहीं दे सकते हम, जो दे रखा है वो भी जब वापस जमा करा, नहीं तो तेरी जो भी जमीन जायदाद तूने गिरवी रख रखी है वो बेच दूंगा, क्योंकि जब तेरे पास में 8 करोड़ का स्टॉक ही नहीं है तो पैसा क्यों चाहिए। तो वो बेचारा घबरा गया, उसने मुझे बुलाया, अरे सी साहब आओ चाय पीते हैं। मैंने कहा सर मैं चाय में मीठा ज़्यादा लेता हूँ। अरे सर चिंता मत करो, मीठा पूरा देंगे। गया तो मिठाई मंगा ली, एक पैकेट पकड़ाया, सर ये 2 के कितने करने हैं? 8। तो सर मुझे रिश्वत दे रहा था। मैंने उसको कहा क्या तुम्हें मैं रिश्वत खाने वाला सी लग रहा हूँ? सर गनी अगर लग रहा हूं तो सही है, लाओ इधर दो पैसे। लिए स्टॉक कितने का दिखाया? 8 करोड़ का। और ये हकीकत घटना है, ये हकीकत घटना है। मैंने ऐसा किया, वो थोड़ा इंटरनल है, कितने पैसे लिए? मिठाई लिए वैसे मान लो आप। क्या ये काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था? वो तो मुझसे सच्चाई जानना चाह रहे थे। तो मैं सच्चाई क्यों नहीं बयां कर पाया? क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं रहा। स्वतंत्र क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं चरित्र बेच चुका अपना। मैंने क्या कर ली? मिठाई खा ली। तो ऐसे व्यक्ति का निर्णय खुद का कैसे हो सकता है? इसलिए अंकेक्षक को कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट। और ये एग्जाम में कम से कम 6-7 बार रिपीट हो चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में कि अंकेक्षक को ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। यह कथन कौन से वाद विवाद में बताया गया है? तो इसका एक बहुत ही फेमस केस था लंदन एवं जनरल बैंक। इस बैंक का नाम आते ही मुझे मेरी ईमानदारी याद आ जाती है। लंदन एवं जनरल बैंक के मामले में बताया गया कि अंकेक्षक को कैसा व्यक्ति होना चाहिए? बताओ, ईमानदार। बताओ क्यों जरूरी है ईमानदार होना? क्योंकि ईमानदार होंगे तो आप क्या होंगे? स्वतंत्र। स्वतंत्र होंगे तो क्या जांच कर पाएंगे? और ऑडिट होती कैसी जांच है? स्वतंत्र जांच। समझ में आ गया? क्लियर है? बताओ स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए, दिखाई भी देनी चाहिए। क्या मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं? बताएं आप। 1 घंटे में समझ गए? दिखाई भी देनी चाहिए। सभी विवेकपूर्ण बुद्धि व्यक्तियों को दिखाई देना चाहिए कि व्यक्ति स्वतंत्र है या नहीं है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ इसमें। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, उनकी ऑडिट मैंने कर दी। सर आप कैसे कर सकते हो? नहीं हमारे यहाँ देखो, हम बढ़िया लोग हैं, हमारे यहाँ बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, पापा होंगे अपनी जगह, स्वतंत्रता है।
वो अलग है, मैं अलग हूँ, घर में चाहे तिजोरी एक हो जाए वो अलग बात है, पर अभी तो क्या है, व्यापार है भैया, स्वतंत्र है। और वाकई में स्वतंत्रता के साथ मैंने काम किया, मैंने एकदम निष्पक्ष रहते हुए काम किया, तथ्यों के आधार पर काम किया, गलती थी तो गलती बताई और सही था तो सही बताया। हम वाकई में स्वतंत्र थे, मान लो एक बार, क्लियर है। मैंने ऑडिट कर दी, रिपोर्ट दे दी, पापा को अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए था, लोन, वो गए बैंक में, बैंक वाले ने कहा ऑडिट ऑडिट करवाते हो, बोला हाँ जी करवाते हैं, लाओ रिपोर्ट दो, रिपोर्ट रिपोर्ट देगी, फिर बोलेगी आपके ऑडिटर साहब कौन है, वो साहब मेरा बेटा है। उन्होंने फाइल ही वापस पकड़ा दी, बोले तुम बाप बेटे पता नहीं क्या गुल खिला रहे हो, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। मेरे पापा वहां चिल्लाने लगे, अरे हम बढ़िया हैं बढ़िया, हमारे यहाँ बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। उसको समझ ही नहीं आ रहा, बताओ स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए ही, साथ ही साथ दिखाई भी देनी चाहिए, सभी विवेकपूर्ण बुद्धि वाले व्यक्तियों को दिखाई भी देनी चाहिए। तो स्वतंत्रता होगी दो प्रकार की, एक मस्तिष्क की स्वतंत्रता और एक प्रकटन की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस इन माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कि आपकी स्वतंत्रता है लोगों को भी क्या होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। समझ में आ गया, कलम पढ़ेंगे इसका, कंपनी ऑडिट वाला पोर्शन, अभी 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट अपन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं।